का ये तशरीफ लाए हमारा हाल पूछने के लिए। इन्हें कई दफा कोशिश की थी कि ये तशरीफ मुलाकात हुई सवा सात महीने फारूक अब्दुल्ला साहब को नजरबंद रखा गया, जिसकी वजह अभी भी हमें मालूम नहीं है। नजरबंद आमतौर पर उनको रखा जाता है जिन्होंने कोई खिलाफ वर्जी कानून की हो, या कोई मुल्क के खिलाफ देश के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ कोई जलसा जुलूस निकाला हो, लेकिन एक 370 खत्म करने से पहले ही इनको और उमर साहब को और महबूबा जी को और बहुत ही सैकड़ों लोगों को अंदर रखा, तो खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। मैं आज यहाँ न सिर्फ अपनी तरफ से आया हूँ, अपनी तरफ से तो आया हूँ, हमारी जो दोस्ती और मोहब्बत और प्यार तकरीबन 40-42 वर्षों से है, 45 वर्षों से है, जो हमेशा था हमेशा रहेगा। मैं अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी और लोकसभा और राज्यसभा में उन तमाम MPs की तरफ से और उन तमाम पार्टीज की तरफ से भी आया हूँ जिन्होंने पिछले 7.25 महीनों से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई। फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी कांग्रेस के दूसरे लीडरों, CPM के लीडरों, पैंथर पार्टी के लीडरों, छोटी मोटी दूसरी पार्टी के लीडरों, एक्स मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLA, MLCs, ऑफिस बियर्स और आम शहरी को जेल में रखा गया है, उनके लिए जो आवाज हमारे लोकसभा राज्यसभा के लोगों ने उठाई, उनकी तरफ से भी आज मैंने फारूक साहब को बताया कि किस तरह से हमारे अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग तड़प रहे थे कि आप बाहर निकलें, और आज आप बाहर निकले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं जानता हूं कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। एक तो शायद कई सालों के बाद इतनी ठंड हुई और उसके साथ आपकी उम्र और आपकी तबीयत को देखते हुए भी ये मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से बहुत बड़ी ज्यादती थी जो उन्होंने आपके साथ की, लेकिन अल्लाह जिसके साथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब आज मैं यही दुआ करूंगा, तौक्का करूंगा और जो बार बार हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कहा है कि कश्मीर को अगर तरक्की करनी है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अगर आगे बढ़ना है, जम्मू कश्मीर में अगर हमें खुशहाली लानी, जम्मू कश्मीर की तामीर की चाबी लीडरों को तोते की तरह पिंजरे में बंद करने से नहीं होगी, लीडरों को छोड़ देना होगा, रहा करना होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना होगा और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही
यहाँ इलेक्शन हो जाए और जो भी सरकार चुन के आए, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे, उस मुख्तियार है अपनी सरकार, अपनी मर्जी की सरकार चुनेंगे। जो 3 साल से न किसी सड़क पे काम हो रहा है, न किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से बेपना बेकारी है, टूरिज्म ठप है, हैंडीक्राफ्ट ठप है, फ्रूट तो खत्म हो गया, दूसरे कारोबार एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स का सब खत्म है, जम्मू में भी वहाँ का ट्रांसपोर्ट खत्म है, वहाँ का बिजनेस खत्म है, वहाँ की इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म है, कश्मीर की स्मॉल स्केल मीडियम स्केल स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो भी खत्म है। तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तमाम सियासी लीडरों को फौरी तौर पर रहा कर दिया जाए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए, और उस पॉलिटिकल प्रोसेस में जो यूटी है उसको भी खत्म किया जाए, स्टेट बहाल की जाए। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है, 1947 में 560 स्टेटों को मिलाकर 12 स्टेटें बनाई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर एक अकेली स्टेट थी हिंदुस्तान में जिसके साथ कोई स्टेट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अकेले अपने आप में इतनी बड़ी। मुगलों के जमाने में एक स्टेट, महाराजा रंजीत सिंह के जमाने में स्टेट, और इतनी बड़ी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना, ये जम्मू कश्मीर के आवाम की तौहीन है और बेइज्जती। मैं चाहूंगा कि जल्दी ही इन लीडरों को रहा करके और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को दोबारा से स्टेट बना दिया जाए। सो इज इट अ प्रोसेस फॉर न्यू कोलिशन स्टार्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर? पॉलिटिकल प्रोसेस तो डेमोक्रेसी में बुनियादी हुकूक, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपने साइज के लिए मशहूर नहीं, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, लेकिन ऐसा लोकतंत्र नहीं कि जहां 3-3 चीफ मिनिस्टर 3-7.5 महीने से जेल में हो और चौथा एक्स चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से आए जाए। तो अगर ये हाल है कि यहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर भी अंदर जेल में रहे, मिनिस्टर भी जेल में रहे, जेलों में रहे एमएलए एमएलसी जेलों में रहे, सब अहदेदार जेलों में रहे, छोटी बड़ी पार्टियों के नेशनल या रीजनल, तो जमहूरियत कहाँ? तो सबसे पहली बात है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करना, तो रेस्टोर डेमोक्रेसी, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर एनी पॉलिटिकल प्रोसेस टू स्टार्ट। ये ऐसी पार्टियां 47 साल में बड़ा प्रयास किया, एजेंसी पार्टी से जम्मू कश्मीर नहीं चल पाया, सरकारों से जम्मू कश्मीर सरकार चलेगी, एजेंसियां पार्टी बनाएगी उससे जम्मू कश्मीर नहीं चलती है और ना कोई हिंदुस्तान जमहूरियत चलती है। बहुत सारे बच्चे जेलों में बंद है, मर उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। Let us go by one by one. Let us first do, let us restore the democracy, and democracy will be and can be restored only once all the leaders who are behind the bar, either in the jails or in guest houses or under particular they have to be PSA, they have to be released first. Let the political process start first. Let the political process start
let the political process start. Let every individual of Jammu and Kashmir be released from the jail. Let the democracy prevail first, and then we can.